हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी एंड दिस इज योर कुलदीप सर। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में और कुछ और रिएक्शन को हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं गाइस यहाँ पास, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं इधर एग्जाम्पल पे। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि FeSO4 दैट इज कॉल्ड द फेरस सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। ध्यान रखना गाइस, ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, लाइट ग्रीन, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट को जब यहाँ पे हीट किया गया तो देखो क्या बना, Fe2O3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो डिकम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ रखा है गाइस, तो हमने पढ़ रखा है कि व्हेन वन कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू टू और मोर प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताया अभी था पहले भी और यहाँ पे भी हम देखते हैं, और ये जो है एग्जाम्पल है गाइज आपका कौन से रिएक्शन का, तो लास्ट क्लास अगर जिसने देखा होगा तो उसको पता होगा, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसके पहले वाला भी एग्जाम्पल एंडोथर्मिक होगा क्योंकि वहाँ पे भी हमने हीट यहाँ पास क्या किया है, प्रोवाइड किया है। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी रिएक्शन में, दैट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट हम एंटर करा रहे होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ध्यान रखना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है गाइस, ये ब्रिस्क एफरवेसेंस बनाती है। क्या बनाती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब एक झाग जैसे ये क्या करता है, रिलीज हो जाता है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब आप चूना पत्थर, जो कि आपका वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है लाइम स्टोन, उसमें जैसे आप वाटर ऐड करोगे, बबल फॉर्म होता है, झाग निकलने लग जाती है, तो वो कौन सी गैस वहाँ पे रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पास, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ लेगा आपको, कैसे क्वेश्चन देगा कि वॉट विल हैपन वेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटिंग। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो तो क्या होता है, राइट द कंप्लीट रिएक्शन। तो देखो, लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो ये बना लिया गाइस आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और बैलेंस भी करने के लिए बोलता है। तो आप लोग ध्यान रखना, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर है। अब देखो कुछ और डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AgCl, इसको हम क्या बोलते हैं गाइस, तो इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, हम सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हम लाते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एक और रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ व्हाट द सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज यहाँ पास क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है गाइज आपका कि राइट, अच्छा मैं एक्सरसाइज ही दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये होता है हमेशा, जो बहुत बार एग्ज़ाम में गाइज आप लोगों के आया हुआ है CBSE के, ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा विल गो फॉर द CBSE क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट में हमने तीन पढ़ा, एक पढ़ा फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, एक पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, एक लास्ट में मैंने बताया लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। तो ये तीनों का डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा हीट से रिलेटेड। लाइट में दो हमने देख लिया, एक AgCl का डिकम्पोजिशन एंड AgBr का डिकम्पोजिशन। अब रह गई इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में लाते हैं, दैट मीन्स जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराते हैं, तो वो जो है आपका सोडियम और क्लोरीन गैस क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। सोडियम और क्लोरीन गैस क्या करता है गाइस, वो प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर उसका रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, वाटर लिया है इसमें, क्या लिया गया है, वाटर। खैर हम लोग इसको छोड़ते हैं। तो वाटर में भी इलेक्ट्रोलिटिक्स रिएक्शंस होते हैं, इसको इसी में से समझ सकते हो आप। यहाँ पे भरा हुआ है क्या आपका वाटर। अब वाटर में आपको पता होना चाहिए कि होता है क्या, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन, क्या होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा और इसमें बेसिक पे जाते हैं। हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव आयन। और यहाँ पे गाइस हम लोग यूज़ करते हैं एनोड एंड कैथोड। क्या यूज़ करते हैं? एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो जैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास की जाती है तो एनोड होता है गाइस आपका पॉजिटिव टर्मिनल पे और कैथोड होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल पे। तो जब इसमें से अपन क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो हाइड्रोजन जिस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, वो किसकी तरफ ट्रांसफ़र होने लग जाता है? नेगेटिव की तरफ। और ऑक्सीजन जिस पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव, वो किसकी तरफ ट्रांसफ़र होने लग जाता है? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब हम H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमको मिल जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये भी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें क्या यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। एक और एग्जांपल याद रखना है इलेक्ट्रिसिटी का कि जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमको एनोड पे मिलता है क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन पे होता है निगेटिव चार्ज। और सोडियम जो है आपको मिलेगा कैथोड पे, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये भी आप लोग गाइस ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से समझा दिया। कुछ वीडियोस आपको इसके बाद मिलेंगे जो इसके प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है गाइस यहाँ पास कि वाई जो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड है इनको हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं? डार्क में। तो आपको ध्यान रखना है अगर हम इसको डार्क में नहीं रखेंगे, सनलाइट में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। और उसे डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम लोग हमेशा इसको किस में रखते हैं? डार्क में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पास एक चीज़ और लिखी होगी गाइस कहीं पास कि जो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड हैं ये दोनों गाइस आपके यूज होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट में। किसमें होते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। देखो लिखा है ना कि द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स के हम लोगों ने एनर्जी के बेस, एनर्जी कौन कौन सी? हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी हमने एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन देख लिया, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे का क्वेश्चन कर लो फटाक से। क्या लिखा हुआ है? क्या सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स, राइट इज फॉर्मूला, राइट द रिएक्शन ऑफ एक्स नेम्ड इन द वन एबव विद द वाटर, ठीक है। तो ये आप लोगों का गाइस होमवर्क है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैंने बीच में वीडियो के बताया है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज हम लोग वाइट वॉशिंग में करते हैं, ठीक है। अब इसको भी देख लो क्या क्वेश्चन है। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है। नेम दिस गैस, तो इसको भी आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो पे तो नहीं भूलूँगा, जब हम लोग चैप्टर एंड कर चुके होंगे तब हम लोग जब इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करा रहा हूँगा मैं, तब आप लोगों को इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी केवल आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझते जाएंगे, ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।